तो 18 अक्टूबर को हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी, वो है पीयूपी 100 डेज और 100 वीडियोस का। मतलब 100 दिन तक मैं पीयूपी की प्रैक्टिस करूंगा और 100 वीडियोस अपलोड करूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं स्टार्टिंग से एंड तक कितना प्रो हो चुका हूँ। क्योंकि पर्सनली मुझे पीयूपी नहीं आता और काफ़ी बंदों ने मुझे पीयूपी में मार के रखा है, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम आ चुका है प्रो बनने का, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप भी ना मेरे साथ ये जर्नी में जुड़ जाओ। अगर आपको भी मेरे साथ पीपी करनी है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, और अगर आप पीपी प्रो हो तो मुझे जरूर सिखा देना, थोड़े से टिप्स भी दे देना, तो डिस्कॉर्ड में आ जाना। तो आज है ना मैं एक ही पीपी करने वाला, उसको कहेंगे कि हम एक स्वॉर्ड वाला आर्मर पीपी, नॉर्मल जो डायमंड का होता है, क्योंकि अभी मैं इतना प्रो नहीं हूँ कि मैं सीधे क्रिस्टल पीपी या कुछ सीखूँ। तो अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम है ना नॉर्मल पीपी करने वाले, वो उसको कहते हैं लाइक जो भी बोलते हो, जहाँ तक मुझे पता है उसको डायमंड पीपी कहते हैं। तो इसके लिए मैं है ना यहाँ पे paradise.net में आ चुका हूँ, और बाद में है ना मैं अपने फ्रेंड को बुला के भी ट्राई करने वाला हूँ कि कितना मैं सीखा हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पे सब हाई लेवल के आते हैं, वो हमको इजीली मार देते हैं। तो अपने दोस्त के साथ खेलेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हमारी लेवल क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ये क्रिस्टल को फोड़ता हूँ, मैं इसको कब से देख रहा हूँ बट मुझे अजीब लग रहा है, तो इसको हटा दे, कुछ हुआ नहीं चलता है। तो अभी ना हम आर्मर वाले में चलेंगे, लाइक नॉर्मल है ना डायमंड की पीपी होती है ना वो वाला, तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा था ये रहा, और इसके अंदर चलते हैं। तो मैं इतने एडवांस में जाने नहीं वाला हूँ जैसे कि नेदर पीपी में या फिर पोशन वाले में एसएमपी किट। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं यहाँ पे कॉम्बो सीख जाऊँ, क्योंकि मेरे को कॉम्बो आते नहीं और ना ही पी क्रिट आते और ना ही क्रिट आते, लेकिन मैं जंप करके भी नहीं मार पाता, तो सीखना सही रहेगा। तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं है यार, कब आएगा पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो चुका लेकिन सच में कोई नहीं है, पता नहीं कब आ गया। ओके आ गया, एक बंदा आ गया। तो यहाँ पे अपनी पीपी स्टार्ट होने वाली है, और होपफुली कि मैं एक को तो मार दूँ आज के इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक को भी नहीं मार पाया। तो पहले पीपी देखते हैं। ओके ये अपने में लड़ रहे हैं यार, मुझसे भी लड़ रहे हैं यहाँ पे। ओके यार ये खुद ही लड़ रहे हैं यार, इधर इधर भी थोड़ा नज़र डालो। एक काम करता हूँ पहले इनको ही लड़ने देता हूँ, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, एक मिनट में जरूर मार। अरे यार ये क्रिट में ले लिया मेरे को, कॉम्बो में ले लिया, मैं पास ही नहीं जा पा रहा इसको, देख रहे हो। ये मुझे सीखना है, ये सीखना कि कैसे लोगों को कॉम्बो में लेते और लाइक टपकाते रहते। तो यहाँ पे मैंने हेल्थ बढ़ा ली अपनी, और ये बंदा गया मेरे से, आ जा मेरे से लड़। ओके ओके थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्रिट लगाए थे, मतलब कॉम्बो भी लिया था, 300 लाइन से मारा, बट फिर कॉम्बो से ये बाहर आ गया। ओके अरे एक मिनट यार, ओके चलो कोई नहीं कोई नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, अच्छा है। अभी मैं डायरेक्ट नहीं मार रहा हूँ, अरे तीसरा कहाँ से घुस गया, और यहाँ पे मैं गया भाई मेरे 4-8 बजे। एक मिनट हीलिंग करो, मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कौन से टाइम पे हीलिंग करते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ। ओके मैं आज इतना देर तक टिका, एक्चुअली ज़्यादा लोग होते हैं ना तो पता नहीं कौन कहाँ से मारता है, एक बंदा होता है ना तो मैं थोड़ा सा तो टिक जाऊँ मैं यहाँ पे। और मुझे लगता है आज वाले बंदे थोड़े से लाइक बेसिक्स लेवल के प्लेयर आ रहे हैं, लाइक प्रो नहीं एक तरीके से, वरना तो वो कब मार देते मालूम नहीं चलता। ओके चौथा आ गया मेरे पास, आ जा कोई तो यार एक में। ओके आ रहा है, मेरी स्वर्ग आ गई। ओके चला जा, ये अपने में लड़ रहे यार, एक ही करके आओगे तो ईजी मालूम पड़ता है। देख रहे हो मेरा एम कितना ख़राब है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि कब कहाँ पे वो बंदा गया और कब कहाँ पे मुझे मारना है, वो एक मेन इशू हो रहा है। ओके थोड़ा सा गोल्डन कैरेट खाते रहते, देखो देख देख रहे हो, मतलब मेरे हिट नहीं लगते। मेन इशू क्या है कि मेरे हिट नहीं लगते, पता नहीं मेरा माउस का लाइक सेटिंग क्या है, मुझे जहाँ तक पता है मेरा माउस का सेंसिटिविटी ज़्यादा आई थिंक, इसीलिए शायद से मेरा लाइक पूरा स्क्रीन हिल जा रहा है। अब ध्यान देते हो गए। ओके यार पोशन किधर है, एक तो पोशन लेना नहीं आता मेरे को। ओके अब ओके गोल्डन कैरेट खाओ, और तो हमारी मैच काफ़ी टाइम से चल रही है और अभी तक मैं बरा रही हूँ, एक भी बार नहीं बरा लकीली। और ओके ये बंदे को मैं थोड़ी सी टक्कर दे रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये एवरेज प्लेयर है, इसीलिए ये है ना थोड़ा सा लाइक स्ट्रगल कर रहा है मेरे सामने, वरना तो मुझे मार के चले जाते। और कोई तो मार रहा है पीछे से मार रहा है आई थिंक, कोई नहीं कोई नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक प्रो बंदा गया जिसने मुझे क्रिट में पकड़ लिया और मैं यहाँ पे ख़त्म भी हो गया। मैं लाइक क्रिट में पकड़ लेते तो मैं बच नहीं पाता, लाइक कॉम्बो बोलता है आई थिंक, एग्जैक्ट नेम नहीं पता बट मेरे को वही सीखना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आ चुका हूँ, और इस बार मैं पोशन वोशन मारता हूँ पहले, इस बार मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ पोशन वोशन के ऊपर, नहीं तो बाद में मैं बिना पोशन मारे चला जाता था। अपने सेचुरेशन का लाइक मुझे पता ही नहीं था, बाद में मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुआ, 2-3 ट्यूटोरियल भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे। और आप कमेंट में बता देना कि बेस्ट चैनल जो मुझे पीपी सिखाने के ट्यूटोरियल दे सकता है, अगर आपको आइडिया है तो ज़रूर बताना। तो चलो भाई इससे लड़ते पहले तो।
ओके, ये मुझे कॉम्बो में ले रहा है, लाइक ये हिट पे हिट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कौन से टाइम पे मुझे हिट करना होता है ताकि लगे इसको, ये एक इशू है। बट कोई नहीं, अभी तो दूसरा दिन है, अभी टोटल 98 डे बाकी है, तो उतने में तो सीख जाऊंगा। तो आई थिंक यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, बट पोशन से तो आई थिंक बच जाऊंगा। एक मिनट, अपना किधर है? पहली बात है ना, मेरे को स्क्रोल करना पड़ता है, स्क्रोलिंग में टाइम लगता है, मुझे की बाइंड सेट करना पड़ेगा, बट पता नहीं सेट कैसे होता है। मैंने सुना तो है काफ़ी लोगों के ट्यूटोरियल्स में की बाइंड लगाओ, बट कैसा होता है समझ नहीं मुझे। ओके, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे मैं। चलो कोई नहीं, अभी ना थोड़ा सा आर्मर स्टैंड पे मैं प्रैक्टिस कर लूँ क्रेट की। वैसे तो मुझे पता नहीं होता है यानी आर्मर स्टैंड पे, और ये ग्लिच कर रहा है क्या, पता नहीं यहाँ पे टूट गया। बट कोई नहीं, आर्मर स्टैंड से आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है जंप करके क्रेट मारने की, तो वो ज़रूर ट्राई करना। मैंने ट्यूटोरियल देखा था तो मुझे आइडिया है, क्योंकि प्रो होना है तो हर एक पॉसिबल चीज़ हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं ना अपने एक दोस्त को बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे को उससे बैटल करना है। वो है ना मेरे लेवल का है, लाइक वो मुझे एक बार मारता है, मैं उसको एक बार मारता हूँ, इतना मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लाइक अगर मैं ना सीधे सेनपाई से बैटल करूँगा तो ऑब्वियसली बात है जीतूंगा नहीं, तो अपने लेवल के बंदों से पहले बैटल करते हैं। तो ये हमने कस्टम बनाया है अपने होस्टिंग पे, लाइक मैप तो हमने डाउनलोड किया ऑब्वियसली बात है, बट हमने बनाया ताकि हम पर्सनली प्रैक्टिस कर सके। तो 6GB का होस्टिंग है, बहुत स्मूथ चलता है। तो यहाँ पे हमें ना पहले देखते आ गया, चलो ठीक है, तो इससे हम लड़ने वाले हैं। तो पहली बात है ना, ये मूवमेंट बहुत करता है, यहाँ वहाँ पे घूमता है और मैं इसको मार नहीं पाता। एक्चुअली ये मुझे मार देता है, इसके क्रेड भी बजते हैं। ये मैं से शायद थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, बट है ना हम दोनों का लेवल सेम है, लाइक हार्ट है ना हम एकदम इनफ खाते हैं, देख सकते हो। तो वो एक हार्ट पे बचा और मैं आधा लाइक ख़त्म हो गया, ठीक है। लाइक एवरेज प्लेयर है दोनों, तो बेटर है, तो अपने लेवल पर प्रैक्टिस करने में सही लगता है। ओके, यहाँ पे मैं एक्स से पता नहीं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एक्स में ना लोडिंग टाइम ज़्यादा होता है, बट मैं सोचा कि दोनों सीखने का, लाइक एक खाली स्वॉर्ड सीख के क्या ही फ़ायदा है। ओके ओके ओके, डेढ़ हार्ट पे क्लोज बनता है, क्लोज बनता है। तो यहाँ पे माउस की सेंसिटिविटी, मैं अभी ट्यूटोरियल देख के यार उन्होंने कहा कि 90-95 रखो तो बेस्ट रहता है, मैंने ज़्यादा रखा था इसलिए शायद मेरा लाइक यहाँ वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था, बट कोई नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अभी हम करते हैं, और यहाँ पे मेरा थोड़ा स्मूथ चल रहा है, ठीक है कोई नहीं। ओके, उसके है ना क्रिट ज़्यादा बजे, पहली बात वो मोमेंट ज़्यादा करता है तो मैं उसको मार नहीं पाता। ओके ओके ओके, काफ़ी क्लोज है मेरे और उसके हार्ट सेम है, लग जाए यार, लग यहाँ पे हार्ट। और ये अरे यार गया मैं। ओके ओके चलो सही है। तो यहाँ पे मैं डेढ़ हार्ट पे मैं कहा था कि हम दोनों लाइक इक्वल लेवल पे है ना, तो हम ईजी कर लेते हैं, बट ये मोमेंट ज़्यादा करता है, मुझे पता नहीं मोमेंटम से कैसे मरते हैं। और इसमें मैंने शील्ड यूज़ किया है और वो शील्ड यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो आपके पीपी लाइक जो किट में जितने भी चीज़ें मिलते हैं सब यूज़ करने के लिए, और उनको यूज़ करना कोई चीटिंग नहीं होती। आपके पास गोल्डन एप्पल है तो वो यूज़ करो, पोशन है वो यूज़ करो, शील्ड है वो यूज़ करो, सारी चीज़ें यूज़ करो तो बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे तो मैं जीत जाऊँगा आई थिंक, क्योंकि ये शील्ड यूज़ नहीं कर रहा है और ये गया काम से। तो यहाँ पे हमारा पार्ट टू ख़त्म होता है, बाकी 98 डेज में देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।